गाड़ी कितनी गंदी है, बिल्कुल भी साफ नहीं है गाड़ी का मिरर। और अभी गया हुआ है सिलाई मशीन, मेरी खराब हो गई है तो उसको दिखवा रहा है यहाँ पे। और हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द नट्स वर्ल्ड। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं निकल चुकी हूँ कुछ घर के काम कराने हैं। जैसे सिलाई मशीन ठीक करानी थी, बहुत दिन से खराब पड़ी हुई है। तो छोटे मोटे घर के कपड़े होते हैं जो रह जाते हैं, छोटी फिर सिलाई बहुत ज़्यादा आजकल महंगी है। और देखिए, मैंने ब्लू लाइनर लगाया और विदाउट धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धूप है। सो मैं आपको दिखाती हूँ धूप बाहर की कितनी ज़्यादा है। मैंने ब्लू लाइनर इसलिए लगाया क्योंकि मैंने ब्लू सूट पहना है, इसलिए मैंने ब्लू लाइनर लगाया है। और ये देखिए, सो धूप बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा है। और अभी बनवा रहा है मशीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ घर पर नान। और ये देखिए, एक मैंने ट्राई भी की है, सो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी दिख रही है। थोड़ी सी जल गई है, फर्स्ट ट्राई था, सेकेंड में आपको बना के दिखाती हूँ। सो ये मैं रेडीमेड नान का आटा लेके आई थी और मैंने इसका इसमें जिस तरह से उन्होंने बताया था उस तरह से गूंथ के इसको आधे घंटे पहले रख दिया था फ्रिज में। अभी ठंडा हो गया, इसको निकाला है। सो देखते हैं कैसे बनती है। सो मैं तवे पे बनाने जा रही हूँ, तो चलिए दिखाती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है थोड़ा सा आटा, इसी का डो, और अच्छे से बेल देंगे इसको। तो इस तरह से देखिए, मैंने इसको बेल लिया। अब मैं हाथों पे लगाने जा रही हूँ पानी, और दोनों साइड्स पे पानी लगा के। और ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने घर पर नान ट्राई करी है। सो अच्छे से मैंने इसको तवे पे डाल के, तरह से फैला देंगे। तो बस ये एक तरफ से सिक जाए अच्छे से धीमी आंच में, फिर इसको, और मैंने इसको इस तरह से सेकने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैं लगा दूंगी इससे तवा थोड़ी सी डिस्टेंस पे रहे, और धीमी धीमी आंच पे ये रोटी इस तरह से सिक रही है। देखिए ब्यूटीफुली फूल रही है, और बिल्कुल घी स्लो फ्लेम में कर देंगे हम। वहां से घुमा घुमा के थोड़ा सा सीख लेंगे। अब मैं दिखाती हूँ कैसा है, देख सकते हो कितने अच्छे से सीख गई है दोनों साइड्स पे। ये देखिए, और इस पे लगाएंगे हम बटर थोड़ा सा, बिल्कुल बाजार वाली नान बन के रेडी हो गई है। कैसी लगी आपको गर्म गर्म घर में बनी नान? अच्छा लगा? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द नट्स वर्ल्ड। और मैं थोड़ी सी आज इंडियन तरीके से तैयार हूँ, बिकॉज आपने सुबह देखा है कि सास ससुर आ गए हैं, पिताजी आ गए दवा लेने फिर से घर, और अभी वो दवा लेने ही गए हुए हैं, ठीक है। और सो अभी मुझे निकलना है कहीं ट्रैवल के लिए, सो मैं भी थोड़ी सी रेडी हो रही हूँ। वो रुकेंगे नहीं, दवा लेके चले जाएंगे आज शाम या नहीं मॉर्निंग की, कल मॉर्निंग में चले जाएंगे शायद। सो मैं कराने जा रही हूँ, मुझे ट्रैवल के लिए निकलना है, तो अपने पैरों की पैरों पे मैनीक्योर पेडीक्योर। सो पैरों का हाल मैं भी आपको दिखाती हूँ कितने गंदे हो रखे हैं, बिकॉज गोवा से आई हूँ तो मुझे बिल्कुल भी कुछ भी करने का मौका नहीं मिला था। सो अभी मैं कराने जा रही हूँ पेडीक्योर। सो ये देखिए, पैरों का इतना गंदा बुरा सा हाल हो रखा है, कुछ भी नहीं किया है मैंने। सो पहले मैं आफ्टर आपको दिखा, बिफोर दिखा दे रही हूँ अपने पैरों का हाल। और सो मैंने अपने पैरों को इस तरह से सूख कर लिया है, और हीट हो रहा है पानी, और मैं डाल के इस तरह से कुछ बैठ गई हूँ। सो हे गाइस, और मैं जा रही हूँ कहीं, आपको आने वाले ब्लॉग्स में देखने को मिलेगा कि फिर से मैं कहीं जा रही हूँ, उसकी तैयारी कर रही हूँ। सो मैं आज मैं अपना नेल्स फिर से ठीक करा रही हूँ,
सो ये देखिए नेल्स में फाइल हो गया है, मैं नेल कराने जा रही हूँ तो दिखाती हूँ कि कैसा नेल हुआ है। अभी मेरा नेल्स कुछ इस तरह से दिख रहा है, चेंज होने के बाद मैं दिखाती हूँ। सो ये देखिए मेरे नेल्स हो गए हैं। सो मैंने इस तरह से करवाया है कुछ नेल्स अपना रेड में, क्योंकि एक प्लेन रखा है और इस तरह से ग्लिटर ही है। सो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है गाइस, ज़रूर बताइएगा। सो अभी हम आ गए हैं मोमू मियाँ, क्योंकि कानपुर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, आज बहुत बारिश हुई है। सो मेरा मन कर गया मोमू मियाँ खाने का। सो मैं और नाइशु अभी आ गए हैं मोमू मियाँ खाने, बारिश का टाइम है और मन कर रहा था कुछ चटपटा चटपटा, क्योंकि थोड़ा सा आज वर्क ज़्यादा था शॉप पे। सो ये देखिए मेरा नेल आर्ट। सो अभी थोड़ा सा फेस डल सा है बिकॉज सुबह से मैं लगी हूँ और मेरी पैकिंग हो गई है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मेरी पैकिंग हो गई है और कुछ कुछ ये पाउचेस मैंने अभी नए फ्लिपकार्ट से मंगाए थे, तो इसमें शूज के पैक है बट अभी न्यू है, तो मैंने कुछ चीज़ें रख ली हैं इस पर। ये देखिए इस तरह से पाउचेस कैरी करना इजी हो जाएगा। सो मैं इसको इस तरह से रख लूँगी। तो ये पाउचेस हो गए हैं और मेरा एक में सामान आ गया है, दूसरे में अभी का सामान आ गया है। यहाँ मैंने पैकिंग कर ली है कटहल, भुना हुआ कटहल बनाया है और एकदम ड्राई बेसन वाली भिंडी। सो ये ट्रैवल में पैक करने के लिए मैंने बना लिया है, अभी इसको पैक करके फ्रिज में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, फिर हम पूड़ियाँ बनाएंगे। एंड फाइनली हम लोग निकल चुके हैं सारे लोग। सो इस ट्रिप पे मैं मम्मी पापा के साथ जा रही हूँ, हस्बैंड को ऑफ नहीं मिला एज यूजुअल, पुलिस में होने की वजह से उनको ऑफ नहीं मिला है। और यहाँ पे हमने अर्टिका गाड़ी हायर की है। सो क्योंकि 6 से 7 लोग हैं, सो हमने बड़ी गाड़ी ली है जिससे हम बड़ी कंफर्टेबली जाएँ। और हम जा रहे हैं अभी फ़िलहाल, हम सारे लोग जा रहे हैं हरिद्वार सारे ही लोग। सो मम्मी पापा, तो देखिए हम लोग हैं हरिद्वार के रास्ते में, सब चल दिए हैं विद फैमिली, मम्मी पापा आगे बैठे हुए हैं, दो लोग पीछे यानाशा, और हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार। चलिए रास्ते का सफर आपको दिखाते हुए चलते हैं, जहाँ रुकेंगे जैसे रुकेंगे। यहाँ पर हम खूब मस्ती करते हुए चल रहे हैं और मम्मी पापा के साथ, ये मेरी पहली ऐसी ट्रिप है सो बहुत मज़ा आ रही है। और अभी हम लोग रुके हैं पेट्रोल पंप में, पेट्रोल डलवा लिया है, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, कहीं खाने के लिए ढाबा नहीं मिल रहा है ना नाशा। yes. नाशा भूखी है, नाशा को भूख लगी है, लेकिन ढाबा मिले तो हम लोग रुक के खाए कुछ, देखते हैं अभी सर्च कर रहे हैं। और हम लोग जिस भी रास्ते से आए थे हमें एक भी अच्छा ढाबा रेस्टोरेंट कुछ भी नहीं मिला। फाइनली बहुत ज़्यादा लेट हो जाने के बाद हमें ये छोटा सा ढाबा मिला है, हमारे पास खाना तो था ही, सो हमने वहाँ पर बैठकर आराम से लंच कर लिया था। और ये देखिए लंच करने के बाद हम फिर चल दिए हैं। और सफ़र काफ़ी लंबा है, सो हम लोग कभी मम्मी आगे जा रही थी कभी मैं आगे जा रही थी, और यहाँ पर हम सारे लोग मम्मी पीछे रेस्ट करें क्योंकि बहुत ज़्यादा देर वो बैठ नहीं सकती थी, इसलिए हम लोग सारे लोग आगे हो गए, मम्मा आराम से चल रही हैं और ये हमारा सफ़र भी बहुत आराम से हो रहा है। अभी हम रुके हैं सारे लोग मुरादाबाद में, सो यहाँ एक छोटा सा टी स्टॉल है जहाँ हमने टी ब्रेक लिया है। और ये देखिए बहुत छोटा सा स्टॉल है, सो हमने यहाँ पे चाय पी है रुक के, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो चुका है था और मम्मी को भी रेस्ट करना था, सो हम लोग जगह जगह पर रुक कर मम्मी को पापा को रेस्ट कराने के बाद मुरादाबाद आ गए हैं। और यहाँ एक
जगह रुककर चाय पी रही हूँ। 5-6 घंटे से ट्रैवल हो रहा है, अभी कहीं भी चाय की शॉप नहीं दिख रही थी, तो छोटी सी शॉप पे हम लोग चाय पी रहे हैं, चाय मिल जाए बस। तो यहाँ कैट पली हुई है, सो हे गाइस, फाइनली हम अपने रूम में आ गए हैं। और ये देखिए अभी रात का समय है, सो यहाँ पे है एक मिरर, ये देखिए रात के टाइम के लिए हमने अभी बस एक ही रूम लिया है, और एक रूम मम्मा पापा का भी है, नीचे हैं वो लोग, नीचे शिफ्ट हो गए हैं, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। सो ये है वॉशरूम, ये देखिए, और ये है पूरा रूम, आप देख सकते हो। सो बहुत ज़्यादा टाइम ऑर्डर कर रही है, दाल रोटी बटर रोटी जा रहे खाने खाने, होटल के पास ही है तो अभी बस आ गए रात का डिनर करने। का 12 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ पे हरिद्वार में टहल रहे हैं। अभी अभी खाई हमने रबड़ी, मम्मी के लिए दूध ले जाना है तो उसकी तलाश कर रहे हैं, बट कहीं भी दूध नहीं मिल रहा है, तो फिलहाल हम लोग बैक टू होटल जा रहे हैं, कहीं भी दूध नहीं मिला है। और काफ़ी ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, आप देख सकते हो। तो अभी हम लोग ने सारे लोग ने बुलन पहना है, ठंड हो रखी है, तो चलिए मिलते हैं आपसे सुबह मॉर्निंग में। अभी हम लोग जाते हैं होटल और सोते हैं, मॉर्निंग में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। और ये रहा हमारा होटल जहाँ हमने स्टे किया है। सो रात में हमने ऐसे ही जल्दी से होटल ले लिया बिकॉज़ बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, सो हमें का होटल में ईज़िली मिल नहीं रहे थे। और ये था शिव मूर्ति होटल, लेकिन अच्छा होटल था और बिल्कुल हरिद्वार गंगा नदी के पास था। और यहाँ मैं उनसे नदी के जो भी वहाँ पे आरती होती है, मॉर्निंग आरती, उसके बारे में पूछ रही थी। और अभी हम जा रहे हैं अपने रूम में, सो हमारा रूम फर्स्ट फ्लोर पे था, मम्मा का ग्राउंड फ्लोर पे है। सो अभी तक आपको व्लॉग कैसा लगा है, व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो, बहुत मेहनत लगती है एक व्लॉग बनाने में। सो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल और आगे के वीडियोज़ देख